गाइस, आंटी यहाँ लिट्टी बना रही हैं, बिहार की फेमस डिश लिट्टी चोखा खाएंगे आज हम लोग। ये देखिए, ये बनता है कंडों में। कंडे में बना रही है ना आंटी? कंडे में गोहरा मतलब बन चुकी है गर्मा गर्म लिट्टी। वाओ, खा के बताएंगे कैसी बनी है। ये बनाई है आंटी जी ने। ये देखिए ऐसे बनाते हैं। जैसे हम लोग आलू नहीं सेकते हैं उस पे चूल्हे पे, वैसे लग रहा है आलू जैसे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये चाट वाले भैया, ये क्या कहते हैं, ये बड़े बड़े गोलगप्पे। अरे चाट वाले भैया जल्दी दीजिए ना, एक सूखी पापड़ी, बच्चा रो रहा है। कैसे चाट वाले इतना लेट करते हैं, ये चाट वाले सब भाग जाएंगे आपके घर इतना लेट करेंगे तो। अरे जल्दी दीजिए सूखी पापड़ी। अरे ये क्या ले जा रहे हैं भैया, मैंने सूखी पापड़ी मांगी थी। अरे रुक जाओ बेटा, सूखी पापड़ी। अरे वो मिल गई आपको सूखी पापड़ी, जल्दी जल्दी। वाह वाह, सूखी पापड़ी जल्दी ले लो। ये मिल चुकी है मेरी बेटी को सूखी पापड़ी, और खुशी थोड़ा थोड़ा सा आप खुश होते हुए। और ये भिजवाए हमारे नन्हे चाचा जी ने। नन्हे चाचा जी पूना में बैठ बैठ के इतने बड़े बड़े यहाँ पे गोरखपुर में सब भिजवा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया नन्हे चाचा जी को, हम लोग को क्यों खिला रहे हैं इतना। हम लोग को चाहते नहीं है कि हम लोग पतले हों, या क्या चाहते हैं नन्हे चाचा जी से पूछना पड़ेगा। और पतिदेव जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है आज लिट्टी चोखा बन रहा है? कुछ कहना चाहेंगे आज? कहना चाहेंगे आप? टूटते हुए रिंकी जी देख लीजिए, ये पहले खा रहे हैं फिर लाएंगे आपके लिए। ये देख लीजिए, पहले खुद की पेट पूजा। राम जी को सबरी खिलाने से पहले थोड़ा चीक करती है, कुछ है तो नहीं, खट्टा तो नहीं है ना। हम भी चाहते हैं कि मीठा तो थोड़ा थोड़ा चीक खिलाए। सही है बेटा, सही है, सही जा। खुद से पहले गपक के अब अपनी वाइफ के लिए ले जाते हैं। चलो जी, मामी जी को खिलाते हैं गोलगप्पे। ये मामा जी की चलाकी है, मामा जी पहले खुद खा के आ गए हैं वहाँ पे, और ये नाटक कर रहे हैं उनको खिलाने का पहले। ये बन चुका हमारा लिट्टी चोखा और दाल। ये देखिए सब बैठ चुके हैं खाने के लिए, अभी थोड़ी देर में बताएंगे कैसा हो रहा है। अभी ये भैया सिखा रहे हैं कैसे खाया जाता है इसको। ये देखिए, उसको पहले तोड़ा जाता है लिट्टी को, फिर उसके ऊपर घी लगाया जाता है बढ़िया से। ये देखिए, बताइए जरा कैसा हो रहा है, कैसा लगा लिट्टी चोखा? आप लोग भी खाओ ना, आप खा लो दीदी। देखिए गाइस, जरा बच्चों को देख लीजिए, यहाँ पे ये मामी का बिस्तर इन लोग ने बिल्कुल उजाड़ दिया है। देखिए जरा इन लोग की शैतानिया। ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो ये शैतानी नहीं कर रही हैं, आराम फरमा रहे हैं। और देखिए इन लोग को, इनको पता है ना अभी मामी नई नई है, कुछ नहीं गएगी। और ये है इनकी मामी, इनकी शैतानियां देखते हुए। हेलो गाइस बोल दो आप भी। ये देखिए खुशी को इतने मजे आ रहे हैं, बताओ लेट लेट के उछल उछल के। गप्पे वाले भैया बताइए कैसे बने लिट्टी चोखा, बताइए जरा। आज कुछ मजा आया आपको? बिल्कुल, आज तो नहीं मिले चावल, आज ऐसा लगा है कुछ शरीर में जान आई है। जान आई है शरीर में, जैसे लगा ग्लूकोज चढ़ा शरीर में। देख लीजिए अंकल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? क्या बोल रहे हैं आपके मामा जी? आज का जी है सब हमारे
बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। सही है, हम तो चाहते हैं दो तीन रोज और रुक जाए तो क्या उसका बेनिफिट होगा, हम भरे ये रहना चाहिए। आ चुकी हरी सब्जी भी आ चुकी है, टपकी थोड़ी देर में आने वाले राइस। गाइस हमारी थाली भी आ चुकी है, मिलते हैं गाइस आपको खाना खाने के बाद। बाय बाय, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, आपको ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक नए सफर से। आज हम जा रहे हैं अपने, कहाँ जा रहे हैं अपने, नहीं बताऊँगी आपको थोड़ी देर में। चलिए निकलते हैं, अब मिल लेती हूँ मैं सबसे, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है, बाय। चलिए गाइस निकलते हैं हम लोग, मिलते हैं आपको मंदिर में, ये देखिए, चलो बाय बाय। फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं गोरखनाथ मंदिर के लिए, और आज मैं दिखा देती हूँ हमारी गाड़ी में कौन कौन जा रहा है। आज बहुत ही कम लोग हैं हमारी गाड़ी में, और मेरी बेटी हमेशा की तरह सो रही है, सोते हुए जाएगी है, वहीं जल्दी उठेगी। फाइनली मिलते हैं आपको मंदिर में। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखनाथ मंदिर, चलिए यहाँ से बाहर का थोड़ा दिखा देती हूँ आपको व्यू। बहुत प्यारी प्यारी दुकानें लगी हुई हैं, ये देखिए, पूरा मेला जैसा लगा हुआ है यहाँ पे। गाइस देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं गोरखनाथ मंदिर में, और यहाँ पे बहुत ही टाइट सिक्योरिटी लगी है, चेकिंग वैकिंग होती है यहाँ खतरनाक वाली। पहुंच चुके हैं गोरखनाथ मंदिर में, दिखा देती हूँ आपको मंदिर, देखिए गाइस कितना सुंदर मंदिर है, गाइस फाइनली हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। मोबाइल अलाउड है, दिखाती हूँ आपको मंदिर, देखिए सब लोग जा रहे हैं अंदर। चले गाइस मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में। देखिए गाइस पूरा हॉल है इसके अंदर, यहाँ पे कथा होती है। सुंदर लग रहे हैं देखने में, यहाँ पे माता जी की भी स्टैचू बने हुए, माता अनुसुईया जी, ये सीता माता जी, और ये हैं पार्वती माता जी, और यहाँ सब भगवान जी, बस।
देखिए गाइस, योगी जी ने यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर गार्डन भी बनवा रखे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, और बहुत बड़ा। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बरगद का पेड़ भी है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर है। पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। ये गाइस यहाँ पे बोटिंग भी चालू है। देखिए आप लोग यहाँ बोटिंग के भी मजे ले सकते हैं। देखिए बहुत गर्मी हो रही है और सब गन्ने का जूस पीने में लगे हुए हैं सड़ासड़। कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा। मजा आ गया? बहुत मजा। चलिए हम लोग गन्ने का जूस पी लेते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी में थोड़ा ठंडा चाय साथ ले लेते हैं। हेल्दी हेल्दी गन्ने का जूस पी लेते हैं। गाइस चलिए थोड़ी पेट पूछा कर लेते हैं। हम यहाँ खा रहे हैं चाचा जी रेस्टोरेंट में। और गाइस हमारी ट्रेन बहुत लेट हो चुकी है, निकलते हैं हम लोग आराम से थोड़ा। क्या हुआ रे? गाइस हम कर लेते हैं पेट पूजा। ये है चाउमीन और ये है आलू की सब्जी और ये है पूरी। ये है पूरी और ये है समोसे। चलिए हम लोग खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। खुशी क्या खाओगी बाबू? चाउमीन खाओगी? हम लोग गोरखपुर स्टेशन में पहुंच गए हैं और देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है भयंकर वाली। ये देखिए कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। ये देखिए गाइस बहुत ही खतरनाक भीड़ हो रही है। खुशी की नौटंकी। खुशी हम जा रहे हैं, आओ जल्दी से, आओ जल्दी। खुशी बाय, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ, आगे देख के। गाइस देखिए हमें स्टेशन में कौन कौन छोड़ने के लिए आया है। ये दीदी और ये भैया अंजलि और ये शौर्य और यहाँ पे है ये गोलू। गोलू हेलो बोलो। और ये है मोलू। गाइस इतने लोग हमें स्टेशन पे छोड़ने आए हैं और हमारी ट्रेन बहुत लेट हो चुकी है, तो अब ये लोग जा रहे हैं हमें अलविदा कह के। अभी पता नहीं कब मिलेंगे। और यहाँ पे गाइस मेरी खुशी की शैतानियाँ चालू हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पापा जी मेरे होते हुए आप कैसे बैग उठा सकते हो? मैं ही उठाऊंगा, मैं नहीं उठाने दूंगा आपको ये बैग, ये बहुत भारी है, आप नहीं उठा पाओगे पापा। गाइस फाइनली हमारी गाड़ी आने वाली है बट अभी तक आई नहीं है और मेरी बेटी भी सो चुकी है
गाड़ी आने वाली थी, 3 बजे का टाइम था, बट अभी 10:30 बजे तक आएगी गाड़ी। तब से हम लोग इतना वेट कर करके थक गए, बट हम लोग वेटिंग रूम में बैठ गए थे ना, एसी चल रहा था वहाँ पे, तो उसका कुछ पता नहीं चला ज़्यादा। कभी उसी के पीछे भागते भागते ऐसे ही टाइम पास हो गया। और फाइनली गाइस हम लोग जाने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। अभी पता नहीं है कौन से पे आएगी, बट हम लोग बीच पे रुक गए हैं। अभी पता चल जाएगा, अनाउंसमेंट होगा तो हम लोग जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको आगे, बाय बाय। ठीक है गाइस, मैं ऊपर से दिखा देती हूँ आपको प्लेटफॉर्म के नज़ारे। देखिए ट्रेन है, मालगाड़ी ये ले जा रही है, ये ले जा रही है यार, कोयला ले जाते हुए। और वो खड़ी है न्यू जलपाईगुड़ी नई दिल्ली। और वो देखिए ऊपर दूर इंडिया का फ्लैग लहराता हुआ। बाय बाय, बाय बाय गोरखपुर। लेट हो चुकी है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या बताएं गाइस। अब सुबह से रात हो चुकी है, क्या ही बताना है। अभी भी पता नहीं कब आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। कोई कह रहा है 4 पे आएगी, कोई कह रहा है 5 पे आएगी, कुछ कंफर्म ही नहीं हो रहा है। देखिए हमने ये सामान यहाँ पे रख रखा है, अभी पता चलेगा कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, तब हम अपना सामान उठाएंगे यहाँ से, फिर चल देंगे। गाइस मैं दिखा देती हूँ, दोनों ट्रेनें चली गई हैं। ये है यहाँ का प्लेट, वो दूर तक नजर आएगा। ये देखिए यहाँ इतनी भीड़ हो चुकी है लिफ्ट में। हमारी ट्रेन आ चुकी है गाइस, देखिए हमारी ट्रेन आ चुकी है। देखते हैं अभी हमारा डब्बा कहाँ लगा है भाई साहब, आगे है या पीछे है। हमारा है A1 कहाँ लगता है भाई साहब। फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है गाइस, देखिए A1 कहाँ हो भाई, यहीं पर ही रुक जाना जहाँ हम खड़े हैं भाई। A1 आगे ही जाएगा लगता है, आगे चलो चलो आगे आगे गाइस, हमको आगे चलना पड़ेगा। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। देखिए मिल चुका है हमारा A1, ये देखिए बाहर गाइस। यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ हो रही है, दिखा देती हूँ आपको रेलवे स्टेशन। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है गाइस यहाँ पे। Thank you.
कहाँ पर है आपकी? दोस्तों फाइनली हम घर पहुंचने वाले हैं। अब देखिए हमारी गाड़ी, हम तीनों ही हमारी गाड़ी में, पहले हमारी गाड़ी पूरी भरी रहती थी। घर पहुंचते पहुंचते हम तीनों ही बच्चे, मैं, खुशी की डैडा और खुशी। चलिए गाइस मिलते हैं हम सीधे क्वार्टर में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वार्टर में, क्वार्टर के अंदर, और मैं दिखा देती हूँ क्वार्टर की क्या हालत है। ये देखिए, ये देखिए कितना गंदा हो रखा है। ये देखिए गाइस, खुशी आओ अंदर, आओ बाबू आओ, कम देख लीजिए गाइस हमारे क्वार्टर की हालत। फिर मैं बाद में दिखाऊंगी आपको पूरा सफाई करने के बाद। और ये भी हेलो बोल दो गाइस को, बोल दो गाइस को, हालत खराब हो गया है, आ जाओ बाबू। गाइस चलिए, हमारी थोड़ी सी हालत खस्ता हो रखी है अभी, क्या ये देखिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। कह रही खुशी देखो अपने डैडा की हेल्प कर रही है, कह रही है डैडा थक गए हैं, अब मैं ले आती हूँ थोड़ा सामान। खुशी ले आओ बाबू। चलिए गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मेरे भी आज पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बाहर का खाना खा खा के पक गए, अब थोड़ा अपना घर का खाना खाएंगे, हल्का फुल्का रोटी सब्जी। ठीक है गाइस मिलते हैं आपको। रोटी सब्जी हमने कैंसिल कर दिया था क्योंकि पेट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो हस्बैंड जी की फरमाइश पे बनाए छसिया। ये हल्का होता है, जैसे साउथ में नहीं होता कर्ड राइस, उसी टाइप से होता है ये भी। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, और ये है चटनी, ये है सैलड, और ये है मेरे पतिदेव। चले गाइस हम लोग खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पतिदेव से पूछते तो हैं ज़रा कैसा हो रहा है, खा के बताएंगे, बताइए खा के कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। कहा तो पहले भी बताना, मस्त लगता है। चलिए अब हम कर लेते हैं अपना डिनर, और हम लोग लंच करने के बाद सो गए थे, फिर अभी उठे, बहुत थकान लगी थी गाइस बहुत ज़्यादा, अभी भी उतरी नहीं है। अभी भी खाना खा के अगर मेरी खुशी ने सोने दिया तो हम लोग सो जाएंगे। ये मेरी खुशी, और देखिए हमने डिनर में क्या बनाया है, लौकी की सब्जी और चटनी, और ये है मट्ठा। चलिए गाइस अब इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। ओके बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए।